आज मैं बनाने जा रही हूँ काजू नमकीन, जिसको अक्सर हम लोग मार्केट से पैकेट खरीद कर लाते हैं और हम सोचते हैं कि इसे बनाना बहुत मुश्किल होता होगा, ये घर पे नहीं बन पाएगा। लेकिन ये बनाना बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से अपने घर में ढेर सारे बना करके रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मैदा। आप इसे आटे से भी बना सकते हैं और मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आज इसे मैदा से ही बनाया है। तो मैंने इसे बनाने के लिए लिया है मैदा। कटोरी में आप देख सकते हैं मैंने मैदा भर लिया है, लेकिन एक हिस्सा अपनी कटोरी को खाली रखा है, यानी कि तीन हिस्सा मैंने भर लिया है, एक हिस्सा इसे खाली रखा है। एक हिस्से में मैंने सूजी डाला है। तो एक कटोरी मैदा में मैंने एक कटोरी मैदा नहीं लिया है, एक हिस्सा छोड़ दिया है उसमें, और जो एक हिस्सा बचा है उसे मैंने सूजी से भर लिया है। और अब मैंने लिया है इसमें अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा हाथों पे मसल लिया है और मसल करके मैंने इसे डाल लिया है। थोड़ा सा ले लिया है कसूरी मेथी, जिससे कि आपके नमकीन का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। और अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक। आपके पास अगर कसूरी मेथी नहीं है तो आप सिर्फ अजवाइन डालकर भी इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो आप एक बार डालकर बना कर देखिएगा। एक चम्मच मैंने घी लिया है और एक चम्मच इसमें तेल डाल लेती हूँ। दोनों मैंने मिक्स करके डाला है। आप चाहे तो 2 चम्मच घी डाल लीजिए, या फिर आप चाहे तो 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल लीजिए, तेल डाल लीजिए। तेल कोई ऐसा डालें जिसमें कोई महक ना हो, जैसे कि सरसों का तेल वगैरह इसमें नहीं डालना है आपको। और अब इसे मिक्स करके अच्छे से देख लीजिए। जब ये थोड़ा मुट्ठी बनने लगे ना, तब आप समझ जाइए कि इसमें मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। और अब गूथने के लिए आपको एक साथ ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे आपको गूथना है। इसका एक हार्ड सा हमें डो लगाना है, सॉफ्ट नहीं लगाना है, यानी कि रोटी की तरह हमें इसका डो नहीं लगाना है, थोड़ा सा इसका डो टाइट हमें लगाना है। और थोड़ा सा हाथों से मसल मसल करके इसे अच्छे से गूथ लेना है। और क्योंकि हमने इसमें सूजी डाला है तो इसे हम ढक करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और अब यहाँ एक मसाला बना लेते हैं, जिसमें मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच मैंने लिया है इसमें सादा नमक। नहीं, क्योंकि सादा नमक हमने डाला है तो इसलिए इसमें मैंने डाला है काला नमक, और 1/4 चम्मच इसमें काली मिर्च डाला है। डाल करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। सादा नमक इसमें हमने बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि सादा नमक हमने अपने नमकीन में मैदा वाले मिक्सर में डाला है। और अब देख लेते हैं, मिक्स करके मसाले को साइड कर दिया है और अब अपने मैदा को देख लेते हैं। जो हमने डो लगा कर रखा है ना, उसे एक बार फिर से हाथों से मसल लेते हैं। और मसल करके अब इसे लोई बना करके इसे बेल लेते हैं। तो इसे हमें पतला नहीं बेलना है, तो कितनी थिकनेस रखनी है इसकी, ये मैं अभी आपको दिखा देते हैं। ये थोड़ा थिक ही रहेगा, पतला नहीं रहेगा। तो आप ना इसे इस तरह सरफेस पे ही बेलिए, क्योंकि चकले बेलन पे, चकले पे थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा अगर बड़ा आप बना रहे हैं तो इस तरह सरफेस पे ही रख करके बड़ा सा आप बना लीजिए। तो ये देखिए, इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ना ज्यादा मोटा और ना ज्यादा बिल्कुल रोटी की तरह पतला नहीं रखना है। तो ये थिकनेस हमारे रोटी की रहेगी। और अब मैंने लिया है एक ढक्कन, इस तरह का किसी भी चीज का आप ले सकते हैं, किसी भी बॉटल वगैरह का, किसी भी डब्बे वगैरह का, इस तरह ढक्कन आता है ना जो, वो ले लिया है। थोड़ा सा इसमें तेल लगा लिया है और लगा करके अब यहाँ से इस तरह देखिए, इसे हाफ मून की तरह हम काटते जाएंगे। और एक जहाँ से हमने काटना शुरू किया है ना, बस वहीं से हमें इसे काटते जाना है। तो ये देखिए, बिल्कुल मार्केट की तरह ये लग रहा है ना। तो ये बहुत ज्यादा अगर बना रहे हैं ना तो बच्चों को दे दीजिए घर में, बहुत ही खेलते खेलते ना ये बन जाता है, क्योंकि एक आदमी बहुत ज्यादा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए आप अगर फैमिली में 2-4 आदमी हैं तो बैठा लीजिए
और बस ये फटाफट से आप देखेंगे ढेर सारी नमकीन बन करके तैयार हो जाती है। और क्योंकि अभी दिवाली का टाइम आ रहा है तो इस तरह की चीजें हम बना बना करके रख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने इतना बना लिया है, और जो हमारा बच गया है ना आटा, उसे मैं फिर से इस तरह लोई बना लेते हैं इसका। इसी तरह जितनी बार आपका बसता जाएगा ना ये बना बना करके, उतनी बार आप इसे लोई बनाइए और फिर बेल लीजिए इसको। तो इस तरह देखिए बना करके और फिर इसे काट काट करके रखते जाइए। तो मैंने इस तरह अपने नमकीन को बना लिया है, और अब तेल डाल करके मैंने गैस चला लिया है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल लो पे रखना है, और तेल कम गर्म होना चाहिए और फ्लेम भी हमें लो ही चाहिए, यानी कि हमें इसे लो पे फ्राई करना है। तो अब इसे डाल लिया है, और डाल करके एक साथ देखिए कितना सारा डल जाता है ये, और बहुत फटाफट से बहुत सारा ये फ्राई होकर के तैयार हो जाता है। तो कई चीज़ें हमें देखने में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे बनता होगा, लेकिन जब आप घर में बनाएंगे ना बहुत आसानी से ये, अगर आपको पता हो जाएगा तो आप बहुत आसानी से ढेर सारे इस तरह नमकीन बना करके रख सकते हैं। तो अब हमें एक तरफ से इसे थोड़ा सा अच्छी तरह हो जाने देना है, उसके बाद में इसे इस तरह थोड़ा सा पलटते जाना है। और बिल्कुल आपको लग रहा है ना कि ये काजू है, इसीलिए तो इसे काजू नमकीन कहा जाता है। और यहाँ देखिए थोड़ा सा कलर इसमें आ गया है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसे फ्राई करने में, क्योंकि इसे आप पूरी की तरह हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए थोड़ा कलर आना शुरू हो गया है। तो बस अब चलिए अपने नमकीन को निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा डार्क कलर हम इसका नहीं करेंगे। और इसी तरह आप बहुत ज्यादा ज्यादा, अगर आप फैला हुआ बर्तन ले रहे हैं ना, तो इसे भी ज्यादा ज्यादा डाल करके आप इकट्ठे बहुत सारे नमकीन फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं, और अपना दूसरा बैच भी जो हमने तैयार करके रखा है ना, उसे भी डाल करके फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा बैच भी अपना डाल लिया है, और इस समय अगर आपको लगता है कि आपका तेल ज़्यादा गर्म हो गया है, तो आप अपने तेल को, अपने गैस को बंद कर लीजिए, ताकि फिर से टेम्परेचर थोड़ा सा आपके तेल का कम हो जाए। और आप चलिए इसे भी फ्राई कर लेते हैं। तो फटाफट से बन जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको बनाने में, और ढेर सारे आप बना करके रख सकते हैं। तो चलिए हो गया है तैयार, और आपको इसे गर्मा गर्म बिल्कुल किसी डब्बे में पैक करके नहीं रखना है, जब ये ठंडा हो जाए ना तभी आपको रखना है। लेकिन गर्मा गर्म पे हमें जो हमने मसाला तैयार किया है ना, उसे हमें डाल लेना है, क्योंकि गर्मा गर्म पे अगर आप अपना मसाला डालेंगे ना, तो मसाला इस पे चिपक जाएगा, क्योंकि अभी हल्का हल्का ऑयल है इसमें, तो ठंडा होने पे आपको मसाला नहीं डालना है। जैसे ही आप निकाल निकाल करके ढक रहे हैं, वैसे ही मसाले को मिक्स करते हुए रखते जाइए, और फिर इसे फैले हुए बर्तन में रख दीजिए, और रख करके इसे थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए, फिर आप इसे एयरटाइट डब्बे में भर करके रख लीजिए। तो हमारा नमकीन देखिए तैयार हो गया है। तो आपको कैसी लगी ये नमकीन की रेसिपी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो, तो प्लीज एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारी रेसिपी बन करके तैयार है, तो आप भी इस दिवाली से ट्राई जरूर कीजिएगा, और आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं अभी आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम अंदर से फुसफुसा खस्ता है, सूजी डालने से बहुत ज्यादा अंदर से ये खुसखुसा सा होता है।
सूजी आप जरूर डालिएगा इस नमकीन को बनाते वक्त, बहुत ही ज्यादा अंदर से एकदम भुसभुसा सा होता है ये। तो यहाँ पे देखिए एकदम हाथ पे लेते ही ये टूट जा रहा है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही नई रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।